एक टर्म यूज होती है, टेक्निकली बहुत अच्छा डायरेक्टर है, पिक्चरें अच्छी नहीं बनाता है ना, तो पिक्चर बड़ी बोरिंग बनाता है या पिक्चर में मजा नहीं आता, लेकिन टेक्निकली बड़ा अच्छा डायरेक्टर। व्हाट डज दैट मीन, क्या मतलब क्या हुआ इस बात का, कोई मुझे समझा सकता है इस बात का मतलब? टेक्निकली गुड डायरेक्टर मीन्स, व्हाट इज द टेक्निक ऑफ द डायरेक्टर, इज टू टेल द फिल्म, is to make the film, is to show the, is to tell the story. That is the technique of a director. So if you don't know that technique, how can you be technically a good director? And if you tell your stories well, if you make your films well, know it that you are technically a very, very good director. Majid Majidi ki film mein dekhi hai aap logon ne, kisi ne dekhi hai? Naam suna hai? Nahi. फिल्म में देखा करो, फिल्म एकेडमी में आने से पहले फिल्म में देखा करो। हाँ, चिल्ड्रन ऑफ हेवन, कलर ऑफ पैराडाइज, हाँ ये सब फिल्में और बहुत सारे हैं। एक ही मतलब एक नाम मैं खाली आप लोगों को लेके बता रहा हूँ, ऐसे हजार नाम हैं। उनकी फिल्में बहुत ही सिंपल होती हैं। माजिद मजीदी, मजीदी की जो फिल्म है क्या है, चिल्ड्रन ऑफ पैराडाइज, वो इट्स अबाउट अ शू। फिल्म शुरू होती है, एक बच्चा जो है जूता लेके जा रहा है, मोची से सिलवा के वो जूता लेके वापस जा रहा है, ब्रेड खरीदने जाता है, बाहर जूता छोड़ के जाता है, म्युनिसिपैलिटी वाले आते हैं, जूता उठा के लेके चले जाते हैं, और जूता जो था उसकी बहन का जूता, वो घर पहुंचता, बहन उसको डांटने लगती, कहती मेरा जूता किधर है, वो कहता यार कोई उठा के लेके मैं क्या करूँ, वो कहता डैडी को मत बताना, इट्स अ फैमिली विच कैन नॉट अफोर्ड अनदर पेयर ऑफ शू। And the whole film is about how he shares his shoe with his sister. And the sister keeps saying that I want my shoe back, and I want my shoe back. And it's about shoe. But with that shoe, he tells you everything. He tells you the plight of the character, he tells you the journey inside the character, the whole socio-economic state of that place, culture, everything. So that is technique. It looks so simple that you get scared. जो देखिए इस आदमी को तो टेक्निक आती नहीं है, कैमरा सीधा रख के ऐसे ऐसे खींच देता है, ऐसे ऐसे लोग सीधा सीधा बोल देते हैं, फिल्म बन जाती है। बट द होल फिल्म व्हेन यू सी, इट्स अ ग्रेट टेक्निक। एक चीज यहाँ क्विकली मैं आपको फिर से एक बार, मैं हर जगह बोलता हूँ ये बात, यहाँ पर फिर से बोल देता हूँ, मैंने एक हिंदी में कहावत सुनी थी कि कठिन हमेशा कठिन नहीं होता है, कठिन हमेशा कठिन नहीं होता है, और सरल तो कभी भी सरल नहीं होता है। सो नो द फैक्ट, difficult is not always difficult, but simple definitely is never simple. So my point is, when we talk about technology, we keep saying ki shoe chaya se camera ghum raha hai, it's not technique. What we are confusing technique with something else. You know what I mean? Whenever technique is used well, मतलब जिसको टेक्निक बोला था वही टेक्निक होती है। जैसे द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, ओके, उसमें एक टेक्निक है कि भाई एक एक्टर को किस तरीके से दिखाया गया है, कैसे एज का वो किया गया है पूरा, वो एक टेक्निक है ना, लेकिन वो कहानी के कॉन्टेक्स्ट में करेक्ट है, वो करेक्ट है। या फॉरेस्ट गंप में अगर दिखाया गया है कि वो व्हाइट हाउस जाता है टॉम हैंक्स और हाथ मिलाता है, इट्स टेक्निक ना, but it is done in a right way. लेकिन टेलीविजन सीरियल में रोज जो है कैमरा ऊपर नीचे साइड बाय साइड घूमता रहता है और शक 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 की आवाज आती है, it's not right, it's no technique.